नमी नमी आई केंद्र थार वे जट्टा महिंद्रा ची एक फोन मार वे जट्टा नमी नमी आई केंद्र थार वे जट्टा। रुको जरा, सबर करो। सो हे फैम, व्हाट्स अप गाइस, व्लॉग स्टार्ट करने वाले अनदर वीडियो। सो गाइस, आज जो है हमारे साथ है अनमोल भैया। हाय गाइस। तो गाइस, जो है इनकी ये थार है, आज इसकी हम पूरी रिव्यू देने वाले हैं। इसमें इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन कराई है, तो भैया बताइए आपने इसमें क्या क्या कराया है। सबसे पहले तो मैंने इसके हेडलाइट चेंज कराए हुए हैं। ये जी वैगन स्टाइल के एलईडी हेडलाइट्स हैं, जो स्टॉक नहीं आते, बाहर से डलवाने पड़ते हैं, कस्टम लाइट्स होते हैं। उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो, इसके ब्रॉड व्हील डलवाए हुए हैं मैंने। इसके अंदर 16 इंचेस के रिम आते थे गाड़ी में स्टॉक, बट मैंने इसके अंदर जो है 20 इंचेस के अलॉय विद एक्सलेरा टायर्स, और ये स्पेसर्स के साथ ही फिट हो पाए। विदाउट स्पेसर्स ये फिट नहीं हो पाते, क्योंकि 4x4 कार है, फोर व्हील ट्रैवलर है। तो ये मैंने लगवाए हुए हैं। ये 10 इंची जो है इनकी चौड़ाई है, और ये 20 इंची का पूरा लगेगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर इंटीरियर में कुछ ऐसा बेसिक बड़ा काम कराया नहीं, बट मैंने इसके अंदर सिस्टम अपग्रेड कराया हुआ। वो सिस्टम अपग्रेड एक बार अंदर से दिखा देते आपको। तो बताओ भैया, अंदर से क्या क्या करवाया आपने इसमें? इसमें मैंने जो है म्यूजिक अपग्रेड कराया हुआ है। पाइनियर का जो है टच है, कंपोनेंट स्पीकर्स हैं, कोएक्सल्स हैं, जीटीओ के कंपोनेंट सीरीज हैं, और आप जैसे देख सकते हैं रॉकफोर्ड के लिए मैंने सराउंडिंग के लिए अलग अलग तरीके से लाइन कराए हुए हैं स्पीकर्स, और रॉकफोर्ड का P1 सीरीज का सब वूफर का पूरा एनक्लोजर है, डबल सब वूफर का एनक्लोजर है। 7D मैट्स डलवाए हुए मैंने गाड़ी के अंदर। हेलो, तो गाइस जो बाकी है भैया ने लगवाई है लाइट कस्टम खुद से, तो बताइए भैया इसके बारे में कुछ। ये मैंने एक्चुअली ऑनलाइन एक वेबसाइट से मंगाई थी, ये आसानी से अवेलेबल नहीं हो पाती मार्केट में, क्योंकि थार में कोई डलवाता नहीं है उसकी, जो कम यूज करते थार। तो ये मैंने लाइट कस्टम मंगवाई है स्पेशली इस कार के लिए। इसके अंदर इंडिकेटर्स भी है, ये पार्किंग लाइट्स है, ये ब्रेक लाइट्स है, और रिवर्स लाइट। तो बाकी गाइस, किसी को अगर ये लाइट्स लेनी हो तो मैं भैया का इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इन्हें मैसेज कर देना, ठीक। तो गाइस, ये है सब बुफर जो भैया ने लगवाया है। एक बार भैया आप इसे चला के दिखा सकते हैं? या भाई, तो अब हम इसे चला के दिखवाते हैं। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो भैया, जो मैंने देखा है आपकी गाड़ी का नंबर 0007 बहुत सही है, तो इसका क्या है कि मैंने देखा आपकी एक और गाड़ी पे भी है ये नंबर? भाई एक्चुअली मेरे को नंबर्स का शौक है, तो दैट्स व्हाई मैंने लिया हुआ है। ये एक्स्ट्रा पे करके जो लेना पड़ता है, वीआईपी नंबर्स होते हैं, फैंसी नंबर जिन्हें कहा जाता है। तो ये कितने के बाद लेते हैं? ऐसा कुछ फिक्स नहीं है, 3 लाख से 5-7 लाख के अप्रोक्स ये पड़ जाते हैं नंबर, जितना ऑप्शन उसका जाता है उतना ये पड़ जाते हैं, जिस तरीके से इसका ऑप्शन होता है, ठीक। तो भैया, जो मैंने बाकी देखा है, आपने पूरी गाड़ी पे जेड ब्लैक करा रखा है, इसका क्या है? भाई ये इलीगल है, वैसे तो इंडिया में इलीगल है, बैन किया हुआ है इसको, बट शौक है, कोई रोकता नहीं है। रोकते भी हैं यार, काफी टाइम रोकते हैं, चलान भी होते हैं, बट शौक होता है। बेटे बेटे, हाँ बेटे, माज कर दी, हाँ माज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर, तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो। सो गाइज, अब हम जा रहे हैं बेसमेंट में, क्योंकि जो लाइटनिंग के शॉट्स हैं गाड़ी में, थोड़ी लाइटिंग वगैरह कराई है, वो नीचे ही आएंगे, ठीक। तो चलते हैं। तो भैया बताइए इसमें। एक्चुअली ये हेडलाइट्स है इसकी, इसके अंदर ये DRL है, यहाँ पर रिंग लाइट जो कहते हैं, ये पहले ब्लू जलती है फिर अपने आप वाइट हो जाती है, और यहाँ पे ये छोटे छोटे स्टार्स भी आपको विजिबल हो रहे हैं, एक्चुअली हेडलाइट के अंदर ही आते हैं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कितनी सही लग रही है ऐसे में ये,
और ये इसके पार्किंग लाइट्स हैं, ये स्टॉक है, इसकी हेडलाइट का कुछ अलग तरीके का इफेक्ट है, आप देखिए एलईडी है, इसका फोकस काफी अच्छा है, ये ओल्ड लाइट से कंपेयर करा जाए तो काफी अच्छा फोकस है इसका। फिर आप यहाँ साइड में आते हैं तो साइड में स्टॉक इंडिकेटर्स आते हैं, इसके अंदर फ्रंट में भी जलते हैं, डीआरएल में भी जलते हैं इसके रिंग लाइट में, और ये आप व्हील में भी लाइट देख सकते हैं, मेरे रिम में भी लाइट लगी हुई है, दिख रही होगी गाइस आपको, ये जो लाइट है रिम्स में ये रात के टाइम में बड़ी सही लगती है। और ऐसे ही मेरे ब्लैक वाले रिम में है, एक्चुअली मेरी आगे वाली खराब हो गई है तो रेड्स में उसके अंदर इंडिकेटर भी चल नहीं रहा है, लेकिन उसके अंदर इंडिकेटर भी चलता है जैसे वाले रिम का। फिर हम बैक में आते हैं तो बैक की आपने ऐसे जैसे ऑलरेडी देखी हुई है, टेल लाइट्स है, ये इसके रिफ्लेक्टर है, ये इंडिकेटर है, एंड ये ब्रेक लाइट है, ब्रेक लाइट ऑन दिस इज लाइक अ ब्रेक लाइट, जब ब्रेक मारने पर जलती है, ये इसकी रिवर्स है, रिवर्स लाइट, बस लाइटिंग में मैंने इतना ही काम कराया, कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं कराया, कि मैं स्टॉक गाड़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, बस जो मेन काम है जो जरूरी काम होगा वही कराता हूँ। सो गाइज एक बार हम इसकी हेडलाइट्स दिखा दे का फोकस दिखा देते हैं कितना है, तो भैया एक बार चलाना, तो ये गाइज ये अभी लो बीम पे है तो देख सकते हैं कितना सही फोकस आ रहा है, और अब ये हाई बीम पे कर दिया।